आज इस ऑपरेशन शीश महल के खुलासे को देखकर हिल गया है। सवाल आज यही है। ऑपरेशन शीश महल में अब तक आपने देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर एक एक पर्दों की कीमत ही इतनी थी, 7,92,000 के किसी आम आदमी के साल भर की कमाई हो, न जाने शायद किसी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना का पूरा बजट हो। मैं तो कहती हूं कि आम लोगों के घर में कहां पर्दा होता है, होता है भी है तो 200, 400, 500, 1,000, 2,000, 5,000 में पूरा घर सिमट जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय के आवास के पर्दे की कहानी देखिए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आवास में 23 पर्दे लगाने का ऑर्डर दिया गया। शुरुआत में 8 पर्दे लगे और वो 45 लाख रुपए के थे। इन 8 पर्दों के बाद 15 पर्दे और लगने थे और उसके लिए 51 लाख रुपए का बजट दिया गया और ये मिला भी। कमाल है भाई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के पर्दे। ये कितने खास पर्दे थे? आम पर्दों से भी काम चल ही जाता, लेकिन खास पर्दे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए, सवाल तो उठता है जहन। लेकिन इस पर्दे से पर्दा गिरा नहीं, पर्दा उठा है। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में इंपोर्टेड मार्बल लगाए गए। मार्बल चले तो आपका चेहरा दिखे शीशे जैसा चमकता। वियतनाम से मंगाए गए ये डियोर पर्ल मार्बल है। गूगल करके देखिए, डियोर पर्ल मार्बल वियतनाम से आता है। मकराना से मंगवा लेते भाई, राजस्थान में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं, वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया। कितने करोड़ रुपए? मैंने पिछली बार जब नजर घुमाई थी तो शायद 5-6 करोड़ का तो मार्बल ही है। कहीं पर मैंने देखा मार्बल की पॉलिश में 21 लाख रुपए लगे। 21 लाख रुपए की पॉलिश? देश में क्या मार्बल का अकाल पड़ गया? आम आदमी के सीएम के घर में इंपोर्टेड मार्बल, उसकी कीमत 1,15,00,000 एक जगह और दूसरी जगह 1 और 3 करोड़ रुपए और कहीं और 1 आध करोड़ रुपए। सवाल ये है कि ये मार्बल है या हीरा मोती? ऑपरेशन शीश महल ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी होने के दावे का पूरा सच आज उजागर किया है और दिल्ली